बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही टेस्टी वटाना खिचड़ी बनाएंगे। दाल, तुअर की दाल और चावल को मिक्स कर लिया है हमने। पाव किलो चावल लिए हमने, वटाने लिए हमने 100 ग्राम, भिगा के रखे थे इसको 5 से 6 घंटे, धो के ले लिए हमने। एक भगोने में तेल रखेंगे 3 से 4 चमचे गर्म के लिए। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, वटाने जो धो के रखे हैं ये डाल देंगे इसमें। तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे वटाने को। इसमें अब हम पानी डालेंगे चावल के हिसाब से। खिचड़ी के पानी को अच्छे से जोश आने लगा है, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक पूरी एक मैगी मसाले की एक पैकेट डालेंगे। डालेंगे इसमें मैगी मसाले का। अब इसमें चावल धोकर डाल देंगे। चावल के हिसाब से इसमें हम पानी भी डाल देंगे और डबल से, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे फुल आँच पे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको, और अब इसको ऊपर ढक्कन झाँक कर 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे फुल आँच पे। फाइनली 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और खिचड़ी हमारी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और लजीज बन के रेडी हो गई है, वटाना खिचड़ी। आप भी ज़रूर ट्राई करें रेसिपी, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।